कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? आदरणीय राहुल गांधी जी, स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है, भारत जब जुड़ता है जब CA आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, कई जगह जा रहा हूं और पेशा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये कलेक्टर है, ये कमिश्नर है, और DFO कहां है? DFO भी आ गया जाए। देखो भाई, ये तय हो गया। और आप जो चुने हुए प्रतिनिधि है, BJP की लीडरशिप, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, बाकी साथी, आप भी लागू करवाओ। सारे लोग मिलके इसको नीचे जमीन पे लागू करवाओ। इसी साल से अब पेशा के नियम लागू हो गए हैं। मैं इसलिए गांव-गांव घूम रहा हूं कि आप इन अधिकारों को समझ के इनका उपयोग करो। सरकार अब भोपाल से नहीं, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी।